हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन लोगों का सॉल्यूशन लेकर आया हूं जिन लोगों का ओनली सिंगल नेम है, क्योंकि उन लोगों का फॉर्म अप्लाई नहीं होने वाला है और इसका जब तक सॉल्यूशन सीपी नेट के द्वारा नहीं होगा तब तक वो लोग फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग कैसे इस चीज़ का सॉल्यूशन करा सकते हो इस वीडियो में मैं बताऊँगा, और आप लोग जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना। समस्या क्या है, चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए और उस पर सीपीनेट वेबसाइट पर आकर आप भी जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हो, और रजिस्ट्रेशन पेज को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको यहाँ तक पहुँच जाना है। जैसे यहाँ पर आप आओगे तो आप देख सकते हो कि फॉर्म भरने का आ गया, रजिस्ट्रेशन करने का। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट्स डिटेल डालनी होंगी, फर्स्ट नेम डालना होगा गाइज, और मिडल नेम तो कंपलसरी है नहीं, लेकिन जो एप्लीकेंट लास्ट नेम है गाइज ये कंपलसरी है, आपको ये डालना ही डालना है। मैं क्लियर कर दूं, आपका सिंगल नेम है, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर किसी का सौरभ नेम है, ठीक है, सौरभ नेम है, तो वो फर्स्ट नेम में तो सौरभ डालेगा, लेकिन उसका सिर्फ सौरभ नेम है तो सिंगल नेम है तो वो फर्स्ट में ही डालेगा, सेकेंड में तो कुछ डालेगा नहीं, अर्थात लास्ट में तो कुछ डाल नहीं सकता क्योंकि उसका सिर्फ सिंगल नेम सौरभ है। तो यहाँ पर ऑप्शन यही है कि अगर आप लास्ट नेम नहीं फिल करोगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप यहाँ पर लास्ट नेम में कुछ भी उल्टा सीधा डाल देते हो तो आपके लिए दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि आप फर्स्ट नेम डालोगे उसके बाद लास्ट नेम डालोगे, ये आपके साथ जुड़ जाएगा आपके नेम के साथ, और जब आप सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे और जब सबमिट कर दोगे उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है, क्योंकि आपका नेम ही मैच नहीं करेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये गलती मत करना कि आपका सिंगल नेम है और आप जाके फॉर्म फिल कर दो। आपको करना क्या है, चलिए मैं वो बताता हूँ। आप यहाँ पर खोल लीजिए ये वेबसाइट और यहाँ पर अपना नाम डालिए, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम डालिए। यहाँ पर नाम डालने के बाद यहाँ पर क्या कीजिए, क्लिक कर दीजिए, ऐसे जैसे मैंने क्लिक कर दिया, इस तरीके से लिखा होना चाहिए, जो लिख गया है ना ये, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से लिखा होना चाहिए। और ये यहाँ पर फादर नेम, पहले वहाँ पर फर्स्ट नेम डालिए, फिर फादर नेम डालिए और फिर मदर नेम डाल दीजिए, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से लिख के रेड में आ जाएगा। और यहाँ पर इसको हाईलाइट भी कर देना, हाईलाइट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। जितने लोगों का सिंगल नेम है वो लोग यही करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद करना क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर भी दे रखा है और ईमेल आईडी भी दे रखी, उस फ़ोन नंबर पर आपको बात करनी है, कॉल करनी है, जो कि सीपी नेट के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है कि आपकी जो भी समस्याएँ हैं उनके निवारण के लिए आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फ़ोन नंबर दिया गया है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ये जीमेल आईडी है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इसी पे कंप्लेन करना है, आप फ़ोन नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपका कॉल लगेगा बट आप वेट करिए, कितना भी बिजी जाए बट आप मिलाते रहिए। आप दिन में आप 12 बजे के बाद ही मिलाइए, क्योंकि सुबह टाइम मिलता नहीं है ज़्यादातर, इसके बाद ही मिलता है। और जीमेल पे क्या करना है अब मैं बताता हूँ। आपने जो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए मैं बैक आ जाता हूँ, आप भी बैक आ जाना। बैक आने के बाद अपनी जीमेल आईडी खोल लेना है, जैसा मैंने खोल लिया, यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी खोल ली। और जीमेल आईडी खोलने के बाद आप आओगे यहाँ पर एक कंपोज का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल सा इसी पर क्लिक कर देना है। इसी पर क्लिक करने के बाद करना कुछ नहीं है गाइज, यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी दिख जाएगी, जैसे मेरी जीमेल आईडी दिख रही है, ठीक है, ये जीमेल आईडी दिख रही यहाँ। और उसके बाद ये जो टू का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, यहाँ पर टू जो जीमेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है था यूपीएमएस की, वही डालना है। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, क्या डालना है, यहाँ पर आपको डालना है यूपीएमएस, UPUMS, और उसके बाद डॉट का चिन्ह लगा देना और CPPNNET @gmail। जब आप इतना सब कुछ डाल दोगे तो वो ऑटोमेटिक जीमेल ले लेगा, gmail.com सही से ही डालोगे तो देख सकते हो आपने ले लिया। अब इतना ले लेने के बाद क्या करोगे आप, ठीक है, इतना ले लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है
सब्जेक्ट पे आपको डियर मैम या सर जो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद कंपोज ईमेल पे आपको लिख देना है कि हेलो सर, मेरा नाम, आपका जो भी नाम हो, जैसे मेरा नाम सौरभ है तो मैं लिखूँगा मेरा नाम सौरभ है, मैं अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर रहा था बट मेरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा सिंगल नेम सौरभ है और रजिस्ट्रेशन करते वक्त वहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने को बोल रहा है जो कि कंपलसरी है, बट मेरा कोई लास्ट नेम नहीं है तो मैं लास्ट नेम में क्या भरूँ। आप इतना सब कुछ लिखेंगे, उसके बाद ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया होगा ना उसका फ़ोटो आपको मिल जाएगा और अपनी 10th की मार्कशीट, आप अपनी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट भी फ़ोटो खींच लीजिए और उसका भी यहीं पर फ़ोटो लगा दीजिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, आप अटैच कर देंगे, पहले पर ही क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अटैच फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो जो फ़ोटो आप लगाएंगे वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी। इतना लिख देने के बाद आपको फॉरवर्ड कर देना है गाइस इनकी ईमेल पे। फॉरवर्ड कहाँ से करना है, ये यहाँ पर कर देना है। और हाँ, जो मैंने नंबर बताया उस नंबर पे आप कॉल ज़रूर करिए और अपनी समस्या बताइए कि सर मैं, मेरा सिंगल नेम है और कोई सर नेम है नहीं और मैं फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ बट मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि मेरा कोई सर नेम नहीं है और फॉर्म में अप्लाई करते वक्त बोल रहा है कि आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालिए ज़रूर, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा अर्थात आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तो मैं फॉर्म कैसे भर पाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें उनसे बताइए और उनसे कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि सर इसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए क्योंकि हम इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ना तो हमारी अच्छे से पढ़ाई हो पा रही इसकी वजह से और हम यही सोच रहे हैं कि हमारा साल इस साल बर्बाद हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे बोलिए और कहिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए गाइज, नहीं तो आपके लिए। और मैं बता दूं ये प्रॉब्लम सभी के साथ है नहीं तो फिर बहुत लोग को कोई दिक्कत होने वाली है, जिनका लास्ट में मान लिया सौरभ है, किसी का नाम सौरभ कुमार है तो उसको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी ना तो फॉर्म अप्लाई कर देगा। तो अगर आपका सिंगल नेम है तो आप आवाज़ उठाइए, नहीं फिर आपका कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि सभी की प्रॉब्लम तो है नहीं, जब सभी की प्रॉब्लम होती है तो सभी लोग एकदम से सारा कुछ भेजने लगते हैं तो फिर तुरंत उनको जो है करना होता है, तो सभी की प्रॉब्लम है नहीं, बहुत कम ही लोगों की प्रॉब्लम होगी ऐसा, तो इसलिए आपकी प्रॉब्लम है तो आप ये कदम उठाइए ज़रूर, नहीं तो आप फिर आप फॉर्म फिल कर नहीं पाओगे। और अगर आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी जो फ़ीस होगी वो भी चली जाएगी, तो इसलिए आप लोग गलत फॉर्म फिल ना करें, कुछ भी ना डालें जब तक आपको सॉल्यूशन ना मिल जाए गाइज। आप लोग जो नंबर दिया उस नंबर पे कॉल ज़रूर करते रहिए गाइज, ठीक है दोस्तों, और कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करना।